हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन फूड विद रेनू में। फ्रेंड्स, मैंगो का सीजन चल रहा है तो आज मैंगो की बहुत ही आसान रेसिपी बता रहे हैं जो फटाफट बनता है, मैंगो शेक। लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने दशहरी आम लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी आम ले सकते हैं। मैंने 400 ग्राम दशहरी आम के छील के, उसको लगभग 5 मीडियम साइज़ के आम थे जिसको मैंने छील के काट के रखा हुआ है। थोड़े से क्यूब्स छोटे कर लिए गार्निशिंग के लिए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए, 2 चम्मच शुगर लिया है और 3 चम्मच मैंने घर का फ्रेश मलाई लिया है। तो इसके लिए मैंने और 200 ml दूध का लिया हुआ है। चीनी को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आप चीनी नहीं लेना चाहें तो उसकी जगह आप हनी यूज़ करेंगे। और 4-5 क्यूब्स के लेने हैं आइस क्यूब्स, और 200 ml मिल्क लिया है। तो लेकिन अगर आप हनी यूज़ करेंगे तो ब्लेंडर में जब ब्लेंड हो जाए सारी चीज़ें तो बाद में उसको मिक्स करेंगे, ऊपर से ब्लेंड नहीं करेंगे साथ में, हनी को क्रीम के साथ ब्लेंड नहीं करते। अभी हमने 4-5 आइस क्यूब्स लिया, उसमें जो हमने मैंगो के टुकड़े को काट के रखा हुआ था उसको, उसकी गुठली निकाल के मैंने काट लिया उसको, और 2 चम्मच इसमें हम चीनी डालेंगे। 2 चम्मच चीनी डाल के अब इसको ब्लेंड करेंगे। अब इसको ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद इसको ऐसा लग रहा है, ये देखिए, ये ब्लेंड कर दिया। अब हम इसमें जो 200 ml दूध लिया था वो डाला हुआ है, और 2 चम्मच इसमें से जो 3 चम्मच क्रीम लिया, 2 चम्मच क्रीम डाला है हमने। आप चाहे तो क्रीम को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्रीम तो थोड़ा टेस्ट में अच्छा लगता है, क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। अगर आप नहीं चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं क्रीम को। अब हम वापस इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, ब्लेंड करने के बाद ये हमारा मैंगो शेक तैयार हो गया है। देखिए, हल्का और फ्लफी हो गया ये। तो अब इसको सर्विंग बाउल में हम सर्व करेंगे। ये 400 ग्राम मैंगो को मैंने 4 लोगों के लिए बनाया है। 4 लोगों को ये सर्व किया जा सकता है, इतना इसकी क्वांटिटी बन गई है। जैसे कोई गेस्ट आ जाए, फटाफट बनाने के लिए कुछ ना हो, तो हम इसको बना कर सर्व कर सकते हैं। देखने में भी सुंदर लगता है, खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी भी है, और आप तारीफ़ें भी पाएंगी। तो ये 4 बाउल में मैंने इसको सर्व किया है। अब इसके ऊपर से जो क्रीम बचा हुआ था 1 चम्मच, उसको थोड़ा थोड़ा इन सब के ऊपर गार्निश कर दिया। और अब इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखा हुआ था हमने, इसमें थोड़े से बादाम और ड्राई फ्रूट्स, और ये छोटे वाले आम जो काट के रखे थे गार्निश के लिए, बहुत छोटे टुकड़े, 1 पीस का बहुत ही छोटा टुकड़ा कर दिया ताकि गार्निशिंग में ऊपर, और थोड़े आम के बाइट भी आए मुँह में, जैसे ड्राई फ्रूट्स के बाइट आएंगे, थोड़ा क्रंचीनेस देगा इस शेक को, तो वैसे ये आम का बाइट भी मुँह में आएगा। तो इसके लिए मैंने छोटे टुकड़े दिए हैं। और अब ये इसमें पिस्ता और बादाम और काजू के जो टुकड़े मैंने करके रखे हुए थे, थोड़े से इससे गार्निश किया है। आप अपने हिसाब से जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया है ड्राई फ्रूट्स वाले मैंगो शेक। कोई भी गेस्ट आए आप फटाफट बनाइए और उनको सर्व कीजिए। अभी बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो बाहर आइसक्रीम खाने का मन हुआ, तो ये आइसक्रीम का भी टेस्ट देगा आपको, खाने में भी अच्छा, देखने में भी सुंदर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो आप इसको बनाइए और टेस्ट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजी है, फटाफट बनती है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।